अपना म्यूट करके मुझे बोल देगा अगर कोई दिक्कत आएगी तो। लास्ट क्लास में ना हमने एक बार तो करा था रिलेशंस, एंड आई थिंक हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस का वन वन ऑन टू वाला पार्ट स्टार्ट करा था। कोई एक बच्चा बताएगा मुझे, हमने वो स्टार्ट करा था ना? यस सर। ठीक है, उसके हमने कितने क्वेश्चंस करे थे? फंक्शंस वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी सबकी कंबाइंड क्लास हुई थी, पहली वाली नहीं, पहली वाली में तो मैंने सारा ही करा दिया था। उसमें नहीं हुआ फिर सर, शायद जो कंपाइल हुई थी उसमें नहीं हुआ। उसमें कुछ तो हुआ है। कोई बच्चा, तुम तो देव बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, उस वाले बैच का कोई बच्चा बताएगा मुझे उसमें हमने क्या क्या कर लिया था? सर एक्स सर उसमें स्क्वायर का ग्राफ सिमेट्रिक पकड़ा था आपने। ट्रांजिटिव तक हुआ था। अच्छा, मतलब वन वन का एक आध क्वेश्चन हुआ होगा ऐसा मान लूं, यस सर। या ज्यादा हो गए नहीं सर, इंटरव्यू ही हुआ था बस थे? ठीक सर, है, एक चलो आध मैं ही हुआ रिपीट होगा कर रहा शायद। हूँ, और थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ाया ही था तो मैं मतलब रिपीट भी कर रहा हूँ, और आज अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, बहुत ध्यान से समझना सारा कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, एक तो पढ़ा था वन वन, वन वन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव, 5 मिनट में रिपीट भी हो जाएगा, अगर हो गया तो कोई बात नहीं है। और जो फंक्शन वन वन नहीं होता है वो होता है मैनी वन। ठीक है, इसमें हमने ये बताया था अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, जैसे 1 2 3 है, ये 2 4 6 8 10 है, तो आइडिया ये दिया था कि अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है तो ये वन वन फंक्शन है, और अगर इस तरीके का सीन है कि 1 2 3 है, यहाँ पर 2 4 है, और ये या ये सारे मैनी वन है। मतलब जब एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज आती है, इधर इमेज है यानी कि इमेज मतलब आउटपुट, इमेज मतलब आउटपुट, और ये क्या है इनपुट, अगर हर इनपुट पर एक ही आउटपुट है तो वो क्या है वन वन फंक्शन, और अगर बहुत सारे इनपुट पर एक आउटपुट है तो वो मैनी वन फंक्शन है, और वन मैनी तो कुछ होता ही नहीं है, वन मैनी इज अ रिलेशन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, इसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि वन वन और मैनी वन के लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले तो तरीका, फर्स्ट तरीका ये बताया था कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, तो वो फंक्शन वन वन है ना वो मैनी वन है, ये बात बताई थी मैंने कि अगर एक्स की दो वैल्यू पर, एक्स की दो वैल्यू पर एफ की मतलब फंक्शन की मतलब आउटपुट अगर सेम आ रहा है, तो एक्स की दो वैल्यू पर अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो वो मैनी वन है ना, लेकिन वन वन के लिए क्या है कि एक्स की दो वैल्यू पर अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो अगर वो दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो ऑब्वियसली वन वन हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ सीबीएसई, और उसको मैं ऐसे ऐसे यूज भी यहाँ पे भी करते हैं। सीबीएसई कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी में मेथड गिवन है कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, तो ये वन वन होगा वरना ये मैनी वन होगा। दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि एक्स की एक वैल्यू पर वाई की एक ही वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू चेंज करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी चेंज हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है अपनी डोमेन के अंदर, इंक्रीज कर रहा है तो वो वन वन होगा, यानी कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने पर उस पर्टिकुलर डोमेन में डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन कैसा होता है वन वन होता है। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करने का मतलब है कि एक्स की एक वैल्यू पर एफ की एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो एफ की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी कि अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो भी वो वन वन ही होगा। उसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि मान लो ये फंक्शन है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, सपोज यहां पर एक्स बराबर 5 है, सपोज तो 5 से पहले की बात करूं अगर मैं, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वन वन है, 5 के बाद डिक्रीज कर रहा है वन वन है, लेकिन अगर मैं इसको एंटायर रियल लाइन की बात करूं तो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है तो वो मैनी वन फंक्शन है। तो यानी कि अगर थोड़ा आगे की बात करें, 12th क्लास में और आगे हम जाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो यानी कि अगर किसी भी फंक्शन का ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ऐसे यहां पर टर्न हो जाएगा तो ये मिनिमा का पॉइंट है, तो अगर किसी भी फंक्शन पर मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट लोकेट हो रहा है इन आर डोमेन, तो वी कैन से दैट दैट फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। तो दो बातें हैं, एक तो इस मेथड से या इस मेथड से, कि अगर हमने डेरिवेटिव निकाला और फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन वन वन, निगेटिव तो भी वन वन, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों तो मैनी वन, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है, दैट इज ग्राफ। भाई आपने ग्राफ बना लिया तो ग्राफ से पता लग जाता है कि वन वन है या मैनी वन है,
उसके अलावा हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट को चेक करो और फटाक से अपना टाइम बचाओ, डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि भाई इसका एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आएगा और इनपुट चेंज करने पर आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब हम चेक कर सकते हैं। तो उसी पर हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक आध क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है हमने पहली क्लास में करा था, बट मैं रिपीट करता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया आ जाए और फिर मैं इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की क्लास में तुम्हें काफी क्वेश्चन करने हैं रिलेटेड टू वन वन मैनी वन। तो ये पहली चीज हो गई वन वन मैनी वन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि भाई वन वन मैनी वन चेक करने के लिए एक मेथड ये, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला मेथड, या ग्राफ बना लो या डायरेक्टली इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट से देख लो। इज इट फाइन? ठीक है, मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। वन वन मैनी वन के साथ साथ हमें एक और चीज पढ़नी होती है, दैट इज, ये तो हो गया आपका वन वन मैनी वन। दूसरी चीज है ऑन टू। ऑन टू को हम एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं ऑन टू को? सर्जेक्टिव। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? इन टू। अब ऑन टू क्या है, यहाँ देखो, ये अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ, यस कोई बोल रहा है, कुछ बच्चा इंजेक्टिव इंजेक्टिव, हाँ इंजेक्टिव तो हो गया ना। ऑन वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। सर आपका कैमरा गया, सर आप शो नहीं हो रहे। आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ गई स्क्रीन भी। तो तुम्हारा किसी का डाउट था, वन वन इंजेक्टिव और ऑन टू सर्जेक्टिव, यहाँ तक ठीक है बेटा? बोलो। ऑन टू होता क्या है सर? आ रहा हूँ ना, वन वन ठीक है ना, अभी ऑन टू पे आ रहे हैं, वन वन हो गया ना। यस सर, यस सर। अभी ऑन टू की मैंने बात ही नहीं करी, अब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एक होता है आपका ये वन वन होगा या मैनी वन होगा, फंक्शन का एक पर्टिकुलर टाइप ये है। अब दूसरा पर्टिकुलर टाइप है ऑन टू या इन टू। अब इसको समझा रहा हूँ, देखो ये जैसे लिखा हुआ है ना एफ एक्स टू वाई, तो इसमें जो एक्स सेट है ये क्या है? डोमेन। और वाई सेट क्या है? कोडोमेन। यहां तक ठीक है? तो एक्स सेट में जो एलिमेंट्स है, मतलब वन टू थ्री, ये एलिमेंट्स तो डोमेन के हैं, टू फोर सिक्स एट टेन, ये एलिमेंट्स आपके कोडोमेन के हैं। और ये आपका इनपुट है और ये टू आउटपुट है, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। तो जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट मतलब जो डोमेन को रखने पर फंक्शन में जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, आउटपुट मतलब किसकी वैल्यू? एफ एक्स की। और इनपुट मतलब किसकी वैल्यू? एक्स की। तो जो एफ एक्स की वैल्यूज आती हैं उन्हें बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज क्या है? टू फोर और सिक्स है। और इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज क्या है? टू और फोर दोनों आ रहे हैं। किसी इनपुट पर आंसर टू भी आ रहा है और किसी इनपुट पर आंसर फोर भी आ रहा है। तो इसकी रेंज है टू और फोर। इसमें डोमेन वन टू थ्री, कोडोमेन टू फोर, रेंज भी टू फोर। इसमें डोमेन वन टू थ्री, कोडोमेन टू फोर सिक्स एट टेन, लेकिन रेंज ओनली टू फोर सिक्स। ठीक है, अगर अगर रेंज और कोडोमेन सेम होता है, रेंज और कोडोमेन सेम होता है, देन द फंक्शन इज ऑन टू, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर रेंज और कोडोमेन सेम होगा तब फंक्शन ऑन टू होगा, वरना ऑन टू नहीं होगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेंज अलग है, कोडोमेन अलग है, तो ये ऑन टू नहीं है, यानी कि ये इन टू है। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन रेंज और कोडोमेन सेम है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। कोडोमेन हमेशा गिवन होगी, रेंज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है तो ऑन टू है, वरना वो फंक्शन इन टू है। एक और बात, जो भी रेंज आएगी, जो भी एफ एक्स की वैल्यू आएगी, वो कोडोमेन के अंदर आएगी। कोडोमेन क्या है? तो टोटल बराबर ही हो जाएगी या उसके अंदर आएगी, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि रेंज कैन बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कैन बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट? रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव, वरना इन टू। यहां तक समझ में आ गया? तो जो पूछ रहे हैं, यहां तक ठीक है कि क्या था ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो ये दूसरा टाइप है फंक्शन का,
पहला वन वन मैनी वन, दूसरा टाइप ऑन टू इन टू। इसके क्वेश्चन हमेशा इकट्ठे चलते हैं, वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू के इकट्ठे क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन में भी ऐसा लिखा हुआ होगा, पहला ऑप्शन वन वन एंड ऑन टू, दूसरा ऑप्शन वन वन बट नॉट ऑन टू, इस तरीके से चलेगा। तो इसके क्वेश्चन इकट्ठे चलते हैं। तो दोनों टाइप क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब रही बात रेंज निकालने की, तो क्लास 11 में चले जाते हैं। क्लास 11 में हमने रेंज निकालना सीखा है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, वो हम सब 11th में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास एफ आर टू आर, एफ एक्स इज एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, कोई मेरे से बोल रहा है इसकी रेंज निकालो। क्या निकालो? इसकी रेंज निकालो। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी क्लास 11 में, अगर डोमेन आर है या और आर माइनस फ्यू वैल्यूज है, ये मैंने अभी भी पढ़ाया था एक आध बैच में, अगर डोमेन होल आर है या होल आर एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज है, एक दो वैल्यू हटा के, देन फॉर फाइंडिंग आउट द रेंज एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, देन फॉर फाइंडिंग आउट द रेंज एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो जब x y के टर्म में एक फंक्शन बनेगा तो उसकी तुम्हें डोमेन फाइंड आउट करनी है, उसकी डोमेन फाइंड आउट करोगे तो वो अल्टीमेटली रेंज आ जाएगी। समझाता हूँ, जैसे यही पर्टिकुलर फंक्शन है, तो ये x है, इस फंक्शन की डोमेन मेरे ख्याल से हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कर रहा है, तो यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो माइनस वन, एक्स जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन की कायदे में डोमेन क्या है, होल आर एक्सक्लूडिंग माइनस वन, क्योंकि माइनस वन पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर साथ में ये भी लगा होता तो मैं रूट की भी बात करता, रूट को भी डिफाइन करता, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके मुझे एक और चीज समझनी पड़ती। इसके आगे मैं लॉग लगा देता तो मुझे लॉग की भी बात करनी होती। ऑल दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11। ठीक है, अभी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, होल आर एक्सक्लूडिंग माइनस वन। तो वही बात आ गई कि डोमेन या तो होल आर है या होल आर एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज है। तो एफ एक्स को पहले वाई लिखो, है ना, फिर एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो। क्या करो, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये उधर चला जाएगा, तो एक्स विल बिकम वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो एक्स आपका वाई के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, यहां तक ठीक है। अब जब x y के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो इसकी डोमेन निकाल लो। क्या निकाल लो, इसकी डोमेन, और इसकी डोमेन मतलब y की वैल्यू आएगी। फिर से यहाँ कोई प्रॉब्लमेटिक फंक्शन नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो y वन नहीं होना चाहिए, y वन नहीं होना चाहिए। तो मतलब y मतलब क्या, रेंज। तो रेंज इज होल आर एक्सक्लूडिंग वन, रेंज इज होल आर एक्सक्लूडिंग वन, तो रेंज निकल गई। तो मैं ये बता था कि हमने क्लास 11 में रेंज निकालने के मेथड्स क्या सीखे, पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड ये भी है, मान लो एफ एक्स इज वन प्लस एक्स स्क्वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये है, हमें इसकी रेंज निकालनी है। सब लोग देखना, यहाँ पर भी डोमेन होल आर दिख रही है मुझे, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन है जो प्रॉब्लम करे, मतलब मैं एक्स को कुछ भी रखू कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डोमेन होल आर है, तो डोमेन होल आर है, तो एफ एक्स को वाई माना और x को मैं y के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। हालांकि ये काम इतना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ एक मैं मेथड समझा रहा हूँ। तो x को मैंने y के टर्म में लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसकी क्या निकालूंगा, डोमेन। अब कौन सा फंक्शन है, रूट, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और y मतलब क्या, एफ एक्स, यानी कि रेंज। तो इस फंक्शन की रेंज आ गई आपकी वन टू इंफिनिटी, सेम मेथड है। लेकिन साथ साथ अब दूसरा मेथड देखो, जब कभी तुम्हें राइट हैंड साइड के बारे में कुछ पता हो, जब कभी तुम्हें राइट हैंड साइड के बारे में कुछ पता हो, जैसे यहां पर है, ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू हमेशा वन या वन से बड़ी आएगी, तो डायरेक्टली हम रेंज बोल देंगे वन टू इन्फिनिटी। तो यानी कि अगर तुम्हें राइट हैंड साइड के बारे में पता है तो ये मेथड जरूरी नहीं है, तुम अपने आप मैनिपुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हो, ये चीज है। तीसरा ये है कि भाई अगर सीक्वेंस इन सीरीज भी यूज कर सकते हैं कई बार, भाई मान लो इसकी तुम्हें रेंज निकालनी है, तो पता है कि एक पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल, तो अगर हम अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देंगे तो इसकी रेंज टू टू इन्फिनिटी आ जाएगी। सबने सीक्वेंस इन सीरीज में पढ़ा होगा, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं।
इसके अलावा अगर मान लो ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हो तो और भी अच्छा है, तब भी रेंज निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ हर किसी का आसान नहीं है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे कैसे ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया है मैंने हाउ टू फाइंड आउट द रेंज, आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर है ये यस सब कुछ, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। एक बार और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया भाई 1 + sin² x इसकी रेंज, सब एक चीज जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर भी सबको पता है भाई साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है, तो sin² x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to 1 लाई करेगा, है ना, निगेटिव तो होगा नहीं, तो 1 + sin² x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 ऐड कर देंगे तो 1 to 2 आ जाएगा, तो यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो रेंज आएगी वो 1 to 2 आएगी। तो व्हाट आई हैव डन है सिंपली ऑब्जर्वेशन से निकाल रहा हूं, मैं कोई मेथड नहीं लगा रहा कि भाई मुझे पता है कि sin² x की रेंज क्या है, मैंने उसको ऑब्जर्व करा और उसकी रेंज निकाल ली, राइट। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, मान लो मैंने ये क्लास में पढ़ा दिया और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि इसकी रेंज निकालो, प्रॉब्लम क्या करेंगे वो इसकी रेंज निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तो ये पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा अलग से, ये नहीं कि यहाँ कुछ भी पुट कर दोगे तो रेंज निकल जाएगी। अब इसका एक और मेथड देखो, अगर मैं एफ एक्स को वाई मान लू तो मैं sin² x को y-1 लिख सकता हूं। अब ये मुझे पता है कि मैं इसको चाहूं तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो अंडर रूट ऑफ y-1 लिख सकता हूं, तो x क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ y-1, फिर मैं साइन इनवर्स की डोमेन के हिसाब से चलूंगा तब भी मेरा आंसर करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से मेथड कोई भी हो, बट पॉइंट ये कि आपको हर स्टेप पे ध्यान देना है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मेथड अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, अब मान लो कोई हमसे ये बोलता है यार इसकी रेंज बताओ, ये भी हमने पहले क्वेश्चन करे हुए होंगे ये, तो इसकी रेंज अगर हमें निकालनी पड़े तो हम इसकी भी रेंज निकाल सकते हैं, तो मैं इसको एक क्वेश्चन में ही करा दूंगा अभी, राइट, कि इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। एंड अगर चाहो हम डायरेक्टली एक बार समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर तुम्हें क्लास 11 का याद हो तो मैंने बताया था कि एनी नंबर एक्स कैन बी रिटन एज इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर सब समझा चुका हूँ, मॉड फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो यानी कि जैसे मान लो हम बात करें 1.5 की, तो 1.5 का इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है और फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.5 होता है, 2, तो इसका इंटीजर पार्ट 2, फ्रैक्शनल पार्ट 0, -1.6 ले लो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, फ्रैक्शनल पार्ट 0.4, यानी कि हमें ये पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है फ्रैक्शन में होता है, 0 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की हमें रेंज पता है दैट इज 0 to 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद है, सारा कुछ पता होना चाहिए भैया, मॉड फंक्शन क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है ना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। देखो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूं, अगर कुछ रिवाइज हो रहा है तो वो सबके लिए ही अच्छा है। देखो वाई इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जब एक्स आपका 0 to 1, 0.1, 0.2, तो हर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, और जैसे ही एक्स 1 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां चला जाएगा 1 हो जाएगा, याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको, यस जब एक्स 1 से 2 के बीच में होगा 1, 1.1, 1.99, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा, और जैसे ही एक्स 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहां मैं ओपन सर्किल कर रहा हूं, मतलब यहां पर ग्राफ नहीं है, यहां पर मैं क्लोज सर्किल बना रहा हूं, मतलब यहां पर ग्राफ है, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2, एंड सो ऑन, और ये चलती रहेगी। जैसे ही एक्स 1 से सॉरी 0 से थोड़ा छोटा होगा, तो 0 पर देखो 0 ही है, तो यहां मैंने ओपन सर्किल करा, तो जैसे ही एक्स 0 से थोड़ा छोटा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ -1, -1 पर -1 ही रहेगा, जैसे ही -1 से थोड़ा छोटा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। अब ये तो सबको पता है, तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन की, तो डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये बेचारा कुछ मना नहीं कर रहा, कि एक्स को कुछ भी रखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
डोमेन वही होता है कि भैया एक्स की वैल्यू बताओ जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो एक्स कुछ भी रख दो वो तो एक रिजल्ट देगा ही देगा। तो यानी कि मैं एक्स को कुछ भी रख सकता हूं, तो इस फंक्शन की डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इज क्या, आर। बहुत सीधी सीधी बात है। अब अगर उसकी रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब होता है जो आउटपुट आएगा, यानी कि अगर मैं एक्स को कुछ भी रख दूं तो आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर 1 0 आएगा, फिर 1 आएगा, इसके बीच में तो कुछ आ नहीं रहा, फिर इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, 2 आएगा। डोमेन एक्स एक्सिस पे देखते हैं, रेंज वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो आपका रेंज आएगी 0 1 2 3 -1 -2 -3 इंटीजर। अब अगर मान लो, जो वाला पोर्शन दिख रहा होगा बोर्ड का, अगर मान लो मैं लिखूं एफ आर टू आर और एफ एक्स लिखता हूं मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब मेरा क्वेश्चन इस क्लास 12 के टॉपिक से है कि ये फंक्शन 1 1 है, मेनी वन है पहला टाइप, या ऑन टू है, इन टू है, ये इसका दूसरा टाइप। पहला क्वेश्चन है 1 1 मेनी वन, दूसरा क्वेश्चन ऑन टू इन टू, सब लोग बताएंगे जरा। सर 1 1 और इन टू, बहुत सारी वैल्यू पर, x की बहुत सारी वैल्यू पर y की a की वैल्यू आ रही है, समझ में आ गया? यस। यानी कि इट इज अ मेनी वन फंक्शन, 0 पर भी, 0.1 पर भी, 0.2 पर भी, हर जगह 0 ही आ रहा है, तो इट इज अ मेनी वन फंक्शन। ऑन टू है या इन टू है? सर इन टू, क्योंकि कोडोमेन आर है और रेंज ओनली इंटीजर्स है, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन बट नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो यानी कि इट इज एन इन टू फंक्शन। लेकिन अगर मैं ये एफ आर टू जेड लिख देता तब कैसा फंक्शन हो जाता? ऑन टू, ऑन टू हो जाता, वेरी गुड। तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये मैंने भले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाया है, लेकिन अब ये सब चीजें तुम्हारी प्रैक्टिस से भी है और धीरे धीरे हम सब करेंगे भी। क्लास 11 में तो मैंने बहुत कुछ कराया था ये, लाइक सपोज साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर हम सब पढ़ चुके हैं, ये भी ग्राफ हमें पता होना चाहिए। तो ये जितना करोगे उतना सोचोगे उतना ही समझ में आएगा। मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, थोड़ा इसका बनाता हूँ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं इसको एक पर्टिकुलर इंटरवल में ले लेता हूँ, 0 से π पहले बनाता हूँ, ठीक है? ऑल ऑफ यू क्लियर है? देखो यहां पर साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई टू इज 1, साइन पाई बाई टू इज 1, तो एग्जैक्टली पाई बाई टू पर आंसर 1 आएगा, तो 1 को मैंने डार्क कर दिया। जब एक्स 0 से पाई बाई टू होगा, जब एक्स 0 से पाई बाई टू होगा तो साइन एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, लेकिन 1 से छोटी होगी, 1 तो एग्जैक्टली पाई बाई टू पर होगा, तो यानी कि यहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 0 आएगा और यहां पर ओपन सर्किल हो जाएगा। पाई से, पाई बाई टू से पाई में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या है, साइन एक्स इज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 से थोड़ा छोटा हुआ और यहाँ 0 हो जाएगा, 1 से छोटा होते ही फिर से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो पाई पर भी ये 0 ही रहेगा, राइट? ऑल ऑफ यू? Yes, yes, sir. आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मान लो 3π/2 है, तो इसके आगे बढ़ते ही साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो यहाँ 0 से छोटा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई के जस्ट बाद -1 हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी -1 रहेगा और वापस 2π पे आके 0 हो जाएगा। तो ये भी हम बता सकते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है ना, बहुत सारी वैल्यू पर आंसर सेम आ रहा है। यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक है, अभी हम एक और फंक्शन की बात कर रहे थे, फ्रैक्शनल पार्ट। इस फंक्शन की बात कर रहा था मैं, फ्रैक्शनल पार्ट की, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और अभी मैंने समझाया था फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। कोई भी नंबर एक्स इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो इंटीजर पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि नंबर चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब बाय चांस अगर कोई मेरे से -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेगा तो मैं लिखूंगा -3, तो ऑब्वियसली इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 आएगा। तो यानी कि नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात,
फ्रैक्शनल पार्ट जीरो तो हो सकता है, किसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगा, इंटीजर का, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कभी वन नहीं हो सकता। थ्री को मैं थ्री प्लस जीरो लिखूंगा, लेकिन थ्री को मैं टू प्लस वन नहीं लिख सकता। तो इसलिए मैंने बोला है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज है वो जीरो टू वन है, जीरो हो सकता है लेकिन वन कभी भी नहीं होगा। अब मैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, देन यू कैन सी हियर, जब तुम एक टॉपिक पढ़ोगे क्लास 12 में, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस में, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फंक्शंस, उसमें इंटीग्रेशन नाम की कुछ चीज ही नहीं है, सारा फंक्शंस के कंसेप्ट है। नाउ सी, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, माइनस वन, माइनस टू, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जीरो, पॉइंट वन का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट वन, क्योंकि पॉइंट वन को मैं लिखूंगा जीरो इंटीजर पार्ट प्लस पॉइंट वन, पॉइंट टू का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट टू, पॉइंट थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट थ्री, पॉइंट नाइन का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट नाइन, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू x वाली लाइन है, और जैसे ही x वन होगा तो वन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बताओ, जीरो, 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 वन इज एन इंटीजर, तो नीचे गिर जाएगा ग्राफ, यहाँ आ जाएगा 1.1 का 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो इट इज अ ग्राफ लाइक दिस, यहां तक ठीक है। जैसे ही x से थोड़ा छोटा आएंगे -0.1, तो -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.9, -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.8, तो ये ऊपर से चल के ऐसे ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस, यहाँ ओपन होएगा ये, तो तुम देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन होल आर है, बट रेंज 0 टू 1 है। अब ये बताओ कि ये 1 1 मैनी 1 है, अगर मैं आर टू आर लिखूं, जरा बताना सर, 1 1 मैनी 1 और 2 इनटू 1 1 सर, 1 1 1 1 इनटू 1 1 लग रहा है, यस सर। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं, तो बहुत सारी एक्स की वैल्यू पर वाई की वैल्यू सेम आ रही है बेटा, सर मैनी 1 मैनी 1 एक्स की बॉस, अगर सिर्फ एक ही इंटरवल की बात करता तब 1 1 होता, ओके सर, इट इज अ मेनी वन फंक्शन, क्योंकि मान लो मैं जीरो का देखूं तो जीरो का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, वन का भी फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, टू का भी फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, थ्री का भी फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, तो यानी कि इट इज अ मेनी वन फंक्शन, आई थिंक ये क्लियर है, यस सर। एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है तो मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। और अगर मैंने यहाँ आर लिखा हुआ है कोडोमेन में, तो ये ऑन टू होगा या इनटू होगा, सर इनटू, इनटू, ठीक है, गुड। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें सारी चीजें एक बार रिपीट करा दी है, यहाँ देखो, अगर मान लो एफ आर टू आर लिखा होता, अगर लिखा होता एफ आर टू आर, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये फंक्शन में क्या सिचुएशन बनेगी, देखो, तो मैंने इसको लिखा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, यहां तक ठीक है, सबको समझ में आता है, क्योंकि एनी नंबर माइनस इंटीजर पार्ट फॉर्मूला यूज करा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट बन गया, ठीक है ना बेटा, ठीक है। yes, अब मैं ऑब्जर्वेशन से आउटपुट निकाल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन मतलब क्यों मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन की, क्वेश्चन अप्रोच करते हुए तुम्हें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले देख के पता लग जाना चाहिए यार मुझे मेथड कौन सा लगाना है, अगर वो चीज समझ में नहीं आई ना, मैथ्स में पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हमने देखा यार फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की तो रेंज मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट, कुछ मैसेज आएगा किसी का, जस्ट होल्ड ऑन, पता नहीं, ठीक है, लुक हियर नाउ, फ्रैक्शनल पार्ट मुझे पता है 0 टू 1 है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, प्लस 1 माइनस 1 करा, ये बहुत सिंपल स्टेप है, जैसे ही ये करा मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, इसको मैंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया, ठीक
ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्व मतलब मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ ये कैसे चलेगा। तो मुझे ये पता है कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट 0 टू 1 होता है, ये पक्का है, व्हाटएवर बी द डोमेन फ्रैक्शनल पार्ट 0 टू 1 आएगा। अब इसमें 1 ऐड करा तो अच्छा, मैं इसको साइड लिख रहा हूँ और मैं रिमूव कर रहा हूँ ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला ग्राफ, यहाँ ज्यादा विजिबिलिटी है तो आई थिंक सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट एक 0 टू 1, अब इसमें मैंने 1 ऐड करा तो ये 1 टू 2, यहाँ क्लोज ब्रैकेट ही रखा या ओपन ही रखा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, जब भी हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। देख लो एक बार, एक्स टू से बड़ा तो माइनस एक्स माइनस टू से छोटा, ऑब्वियसली जैसे थ्री टू से बड़ा है लेकिन माइनस थ्री माइनस टू से छोटा है, एक बात। दूसरी बात, अगर एक्स टू से बड़ा तो वन अपॉन एक्स वन अपॉन टू से छोटा, जैसे थ्री टू से बड़ा है बट 1 अपॉन 3 कर देंगे तो वो 1 अपॉन 2 से छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों तरफ माइनस करो तो साइन चेंज होता है और दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो तो साइन चेंज होता है, ठीक है। अब यहां देखो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 2, तो 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा ऐसे, तो इधर ना लिख के इसको मैंने इधर लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 1 अपॉन 2, सिंपल है। यस सर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी साइन चेंज होगा, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज मतलब फिर से इधर आ गया, इधर साइन चेंज तो ये इधर चला गया, दिस इज हाउ इट इज। अब मैं 1 ऐड करूंगा तो 1 टोटल में ऐड करूंगा तो ये वैल्यू आ गई 0 और ये वैल्यू आ गई 1, तो इससे मुझे इसकी रेंज पता चल गई, मुझे क्या पता चल गया इसका रेंज। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो यानी कि मैं फ्रैक्शनल पार्ट x को कुछ भी रखूं इसकी रेंज 0 टू 1 आएगी। तो अगर यहां सर 0 टू 1 बाय 2 नहीं आनी चाहिए, 0 टू 1 बाय 2 सर। हां ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। यस सर, ठीक है, तो ये 0 टू हाफ आ गया, तो यानी कि ये फंक्शन ऑन टू हुआ या इनटू हुआ सर? इनटू इनटू। अच्छा 1-1 मैनी 1 में बताओ सर, ये तो सर मैनी 1 मैनी 1 समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। यस सर, ठीक है, तो एक आइडिया आ गया तुम्हें 1-1 मैनी 1 ऑन टू इनटू ऑल ऑफ यू। यस सर, ठीक है। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, बता दो बेटा। देखो हमने क्या करा, इसको पहले ये वाली स्टेप समझ में आई, इसको मैंने ये लिख लिया सर, इसको समझ आ गया और मैनी वन और वो ऑन टू इनटू समझ में आया। क्या बोल रहे हो बेटा? सर सॉल्यूशन आ गया इन ऑन टू और मैनी वन वन वैसे। ठीक है ठीक है, पहले देख लिया कि रेंज इसकी 0 टू हाफ आई। यस सर, ठीक है, तो रेंज अगर 0 टू हाफ आएगी और कोडोमेन आर है तो क्या कोडोमेन और रेंज सेम है? कोडोमेन आर है ना, तो कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, और कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा इन टू होगा। ओके सर, ठीक है। और अगर कोडोमेन और मतलब अगर बाई चांस यहाँ पे ये लिखा होता ना कि ये 0 टू 1 है, तब ये कैसा फंक्शन होता? जो किया था उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता? हो सकता है ना, वही तो बता रहा हूँ। देखो एक और चीज, क्वेश्चन करने के तो बहुत मेथड हो सकते हैं। अभी इस बच्चे ने पूछा है कि ये हमने 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट करा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो पहले हम यहां पर आ गए, सब लोग एक चीज ध्यान से देखना, ऑल ऑफ यू, 1 ऐड 1 सबट्रैक्ट इसलिए करा है मैंने, थोड़ा इसको ऐसे भी समझना। मान लो कभी मेरे से कोई बोल रहा है ना कि यार x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, बहुत ध्यान से समझना, ये ग्राफ आसान नहीं है बनाना। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, x स्क्वायर का ग्राफ बनाया थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, ऐसा ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का ग्राफ बनाओ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाओ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का साथ साइन लगा दो बन जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा। कहने का मतलब है
एफ एक्स का तो बन जाएगा, लेकिन एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनका ग्राफ आसान नहीं होता है। तो यानी कि जब हम ग्राफ ही नहीं बना सकते तो इसकी रेंज हम आसानी से नहीं निकाल सकते डायरेक्टली कि भाई मैं ये बोलूं कि फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 टू 1, ये भी 0 टू 1, तो वैल्यू ऐसे वेरी करेगी, तो इट इज नॉट इजी, होएगा ही नहीं मतलब इनफैक्ट। तो पहले तो ये समझ लो। हाँ ये है कि मैं अगर ये वाला मेथड नहीं लगाना चाह रहा हूं तो एक और दिमाग लगा सकता हूं। देखो यहां पर एक काम करो, y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स वाई इज फ्रैक्शनल पार्ट x। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट x को y में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, यहां तक ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैंने क्या करा, फ्रैक्शनल पार्ट x को y में एक्सप्रेस करा और मुझे इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज। तो अब देखो क्या है, ये और ये बराबर है, मुझे ऑलरेडी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक लाई करता है, 0 टू 1। तो ये क्योंकि इसके बराबर है तो ये भी कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 टू 1। यहां तक ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। अब एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, बच्चे क्या करते हैं इसके बाद, कई बच्चों को देखा है मैंने, ये स्टेप लगा देते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, ये 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करा, मेरे ख्याल से तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ऐसे तो हो ही जाता है, बट ये स्टेप गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो जब हम तीनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, और ये अगर नेगेटिव है तो तीनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। याद है ये बात? यस सर। यानी हमें इसका पता नहीं है कि 1 माइनस वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गलती हमारा आंसर गलत कर सकती है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले मैं इसको देख रहा हूं, वाई अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले ये वाला पार्ट ले रहा हूं। पहले यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं वेवी कर्व मेथड यूज करूंगा। उसमें तुमने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने के लिए अल्टीमेटली ये आ जाएगा, पहले माइनस कॉमन लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। नंबर लाइन पे प्लॉट करा 0 1, राइट में पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, यहां तक ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल, तो ये वाला इंटरवल इक्वल टू 0, तो y 0 अलाउड है बट y 1 अलाउड नहीं है, तो यानी कि यहां से रेंज आ गई 0 टू 1, y की वैल्यू आ गई 0 टू 1, कहां से आई, इधर से। अब ये सॉल्व करते हैं, y अपॉन 1 माइनस y लेस देन 1। अब यहां देखना ध्यान से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, तो मैंने क्या करा, y अपॉन 1 माइनस y माइनस 1 को इधर लाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया y माइनस 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y लेस देन 0, यहां तक ठीक है। तो 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस y लेस देन 0। अब मैं इधर कर रहा हूं, ये रिमूव कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं इसको सॉल्व, तो 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस y लेस देन 0, तो y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया, ये 1 पर 0 और ऊपर वाला 1 बाई 2 पर 0, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से हाफ ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये दूसरा आंसर आ गया। यहां तक ठीक है, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं अभी, वो बाद में देखना है कि हमें किस मेथड में ज्यादा कन्वीनियंट है, आना सब कुछ चाहिए हमें। यहां तक ठीक है ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। आप देखो, हाँ कुछ बोल रहे हो? नो सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो है इसमें क्या है, ये भी होना चाहिए वैलिड और ये भी होना चाहिए, दिस एंड दिस। जब हम एंड की बात करते हैं तो कॉमन होता है, जब एंड की बात करते हैं तो कॉमन होता है, और जब हम और की बात करते हैं तो यूनियन होता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब हम इन दोनों आंसर्स का जो कॉमन आंसर है वो लेंगे, अब हम इन दोनों आंसर्स का लेंगे कॉमन आंसर। तो पहले यहां से माइनस इंफिनिटी से हाफ, पहले वाला ये आया आंसर, और 1 टू इंफिनिटी, तो 1 टू इंफिनिटी ये चला गया, और दूसरे वाले का आंसर है 0 टू 1, 0 यहां कहीं है इंक्लूड है,
और वन यहाँ कहीं ये हो गया, तो कॉमन आंसर कौन सा है ऑल ऑफ यू बताओ, जहाँ दोनों आ रहे हो, ये वाला है कि नहीं है? जीरो टू वन बाय टू। यस सर। यानी कि जीरो टू हाफ कॉमन है, तो यानी कि नेट रेंज जीरो टू हाफ आ गई है, नहीं आ गई दूसरे मेथड से भी? आ गई। यस सर। पिछले मेथड से भी हमने जीरो टू हाफ रेंज निकाली थी और इस मेथड से भी हमारी रेंज जीरो टू हाफ ही आई है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है टू फाइंड आउट द रेंज? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। हटा दूं ये मैं ऑल ऑफ यू? ठीक है लिख देख लो जिसको स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लो, लिखना है लिख लो। Yes, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करना। सर हाँ जी सर, डेरिवेटिव से कैसे पता चलता है कि वो वन वन है मैनी वन है? हाँ बता रहा हूँ बेटा, डेरिवेटिव अगर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है तो वन वन, सिर्फ नेगेटिव आ रहा है तो भी वन वन, लेकिन दोनों आ रहा है तो मैनी वन। यहाँ तक तो ठीक है? यस सर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम उस मेथड से नहीं करेंगे। कारण ये है कि राइट हैंड साइड पे कोई एक्स वाला फंक्शन नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट है कि नहीं? yes. है Yes, sir. तो फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम है? Yes, sir. यानी कि दिस मेथड शुड बी अवॉइडेड, नहीं लगाना चाहिए वो वाला मेथड वहां। ओके सर। मतलब मेथड भी तो ऐसे ही चूज करेंगे ना जो कन्वीनियंट हो, जिसका कोई मीनिंग हो। अगर पता लगा भाई कोई मेरे से बोल रहा है यार इसको ना ग्राफ से सॉल्व करो, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बताओ मैं इसका ग्राफ कहां से बनाऊं, है ना? Yes, sir. So it is always better to use a method which fits the question. Question किस method को सही करेगा, है ना? ये नहीं कि हम कोई भी method कहीं पे लगा देंगे। वो भी बताऊंगा कि हम derivative वाले method से कैसे करते हैं, मैं वो भी समझाऊंगा। Okay sir. यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes sir. आप तो सबने लिख लिया होगा? Yes sir. हाँ कुछ बोल रहे हो, आगे बढ़ जाओ? Yes sir. ठीक है। देखो जरा f 2 कॉमा इंफिनिटी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं एक, 1 कॉमा इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। जो जो पॉसिबल मेथड हो, जो जो दिमाग में आ रहा हो उनसे क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है, एंड दूसरा पार्ट इसका यही है कि ये ऑन टू है या इन टू है। ऑल ऑफ यू टेक योर टाइम एंड स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सर मैनी वन है। मैनी वन है, सबको यही समझ में आ रहा है मैनी वन है? अभी कर रहे हैं सर। मैनी वन है। हाँ मैनी वन है। मैनी वन, मैनी वन, ज्यादातर लोग मैनी वन वाले हैं। यस सर। सर ये एफ टू से इंफिनिटी से वन से इंफिनिटी का क्या मतलब है? मतलब ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। ओके सर। ओके सर। मैनी वन वाले सभी लोग हैं तो वन वन वाला कोई कैंडिडेट? बच्चे तो बहुत हैं, सभी मैनी वन या कुछ मैनी वन, कुछ वन वन और बाकी? सर कर रहे हैं। बाकी कर रहे हो? सर इन टू है ये।
सर सर इनटू आ रहा है सर इनटू भी आ रहा सर इनटू है हाँ जी मैनी वन वन इनटू सर इनटू आ रहा वन वन है मैनी वन लेकिन बाकी बात करते हैं वन वन है मैनी दूर करता हूँ मैंने क्या बताया था कई सारे मेथड्स हैं सबसे पहले एक मेथड ये पढ़ा था हमने वन वन मैनी वन का एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू तो वन वन वरना मैनी वन देखो अभी मैं बता रहा हूँ ये मेथड लेकिन एग्जाम में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है जैसा क्वेश्चन दिखेगा फटाक से करना है फिलहाल तो मैं क्योंकि सिखा रहा हूँ तो वाली बात है अलग तो x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 5 यहाँ तक ठीक है यस 5 और 5 कट गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0 ये x1 माइनस x2 इनटू x1 प्लस x2 माइनस फोर इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन लो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो समझना मेथड क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी देना है तो उसमें यही करना है अब यहाँ से आएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू फोर ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ देखना अगर सिर्फ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है तो वन वन होगा लेकिन ये भी आ रहा है x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल टू क्या 4 ऑल ऑफ यू बताओ ये सही चल रहा है मैं नहीं यस सर ठीक है तो अब ये बताओ कायदे में ये क्या होना चाहिए x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 4 तो यानी कि अब ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा ये बताओ अगर हम एग्जैक्टली 2 की बात करें थोड़ा ध्यान से देखना अगर हम एग्जैक्टली 2 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 पर ये वाली चीज वैलिड दिख रही है मुझे कैसे 2 के बाद तो कोई दो वैल्यू ऐसी है ही नहीं ना x1 और x2 जिन दोनों का सम 4 हो सकता हो यस सर यस सर यस समझ में आ रही है कुछ बात यस सर यानी कि सिर्फ 2 को छोड़ दे तो आगे तो ये इनवैलिड बात हो गई यस और एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो डिसाइड नहीं होगा तो यानी कि ये इस हिसाब से 1 1 होना चाहिए दूसरी एक और बात देखो एंड टू एंड समझ में आएगा अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालू एफ डैश एक्स तो क्या आएगा 2x माइनस 4 आएगा yes. अब 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 कब होगा जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो यानी कि x अगर 2 से बड़ा है तो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है yes, sir, है बोलो yes, समझ में आया सबको x अगर 2 से बड़ा है तो फंक्शन 1 1 है तो एग्जैक्टली 2 पे 0 हो भी रहा है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है एक पॉइंट पे 0 हो रहा है और फिर 2 से बड़ा हो रहा है तो डेरिवेटिव तो मतलब पॉजिटिव को फंक्शन तो इंक्रीज ही कर रहा है ना सर यानी कि इट इज अ 1 1 फंक्शन यहां तक सबको समझ में आया यस सर सर डेरिवेटिव वाला बताना एक बात बोलो जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है यस अगर x 2 से छोटा होता तभी तो डेरिवेटिव नेगेटिव होता Yes. ये 2x माइनस 4 डेरिवेटिव है तो अगर x 2 से छोटा होगा तभी तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा yes, sir. और डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तभी तो दोनों आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव और तभी तो फंक्शन टर्न करेगा और मैनी वन होगा और अगर टर्न नहीं करेगा यानी कि सिर्फ डेरिवेटिव पॉजिटिव है या सिर्फ डेरिवेटिव नेगेटिव है तब तो वन वन ही होगा या नहीं होगा अच्छा यस सर यानी कि इस इंटरवल में डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन वन वन है कि नहीं है है सर है एक बात दूसरी बात अगर यहाँ पर मैं लिखता आर होल आर तब वन वन होता है मैनी वन होता सर मैनी वन सर मैनी वन वेरी गुड अब इसका ग्राफ देखते हैं देखो सब लोग इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं तो जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था सर डेरिवेटिव वाला मेथड बता दो तो वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सर इसमें x ग्रेटर देन 2 है बस इतना ही है x ग्रेटर देन 2 पर
एक्स ग्रेटर देन टू पर ये क्या शो कर रहा है? एक्स मैं बता रहा हूँ, एक और चीज देख लो तब ज्यादा क्लियर होगा। इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? ग्राफ देखना, ये है y equals to x square minus 4x plus 5 है। पैराबोलिक होगा। इसका होल स्क्वायर बनाया मैंने तो ये आया x minus 2 का होल स्क्वायर equals to y minus 1। यहाँ तक ठीक है? Yes sir। ये वाला पैराबोला है। ये वाला पैराबोला कौन सा होता है? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। और इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0 0, और इस पैराबोला का वर्टेक्स x माइनस 2 है तो इसका वर्टेक्स होगा 2.1। यस। क्लास 11 कॉनिक सेक्शन। इस पैराबोला का वर्टेक्स है 2.1 अपवर्ड पैराबोला x2y1। ये इसका वर्टेक्स है और ये अपवर्ड पैराबोला है। यहाँ देखो, ये है इसका ग्राफ। तुमने अगर पता नहीं मुझे कि जिस बच्चे ने मेरे से क्लास पढ़ी होगी, बाकी से भी पढ़ी होगी, तो सबने बताया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इज पैराबोलिक इन नेचर। यस सर। यस सर। पैराबोला मैंने यहाँ प्लॉट करा है, ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है और इस पैराबोला में जो ये वर्टेक्स आएगा वो 2.1 आएगा। तो यहाँ देखना कि ये x2 है और ये y1 है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 2 के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बोलो। यस सर, इंक्रीज करेगा। 2 के बाद इंक्रीज करेगा। यस सर, इंक्रीज करेगा। 1 1 होगा सर 2 के पहले। अगर 2 से पहले डिक्रीज करेगा तो भी 1 1 होगा। yes, लेकिन पूरी रियल लाइन की बात करूंगा तो मैनी 1 हो जाएगा। हां सर। अब अभी जिस बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था कि 2 क्या शो कर रहा है, तो उसका क्लियर हो गया ये? यस सर। मतलब फंक्शन का ये ग्राफ है। तो अब अगर मैंने पहले ये सब नहीं करा होता और मैंने पहले ही ग्राफ बना लिया होता तो मैं ग्राफ देख के बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता कि इस 2 से इंफिनिटी के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। बोलो। यस सर। यस सर बोल सकते हैं। हाँ। यस सर। समझ में आ गया बेटा सबको? अच्छा, एक चीज पूछनी है। एक और बात अभी मेरे ग्राफ से मुझे रेंज पता चलती है या नहीं चलती? यस सर पता चल जाती। यस सर। रेंज पता चल गई या नहीं? हाँ सर पता चल गया। यस सर। क्या है इसकी रेंज? सर इसकी रेंज होगी सर 1 से इंफिनिटी। वेरी गुड। यहाँ मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जा रही है। रेंज देखते हैं वाई एक्सिस पर, तो इसकी रेंज है 1 टू इंफिनिटी और कोडोमेन भी क्या है इसकी 1 टू इंफिनिटी। यानी कि फंक्शन कैसा है ये? ऑन टू फंक्शन। समझ में आया सबको? यस सर। यस। बाकी लोग जिनकी आवाज नहीं आ रही है, ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है सर। हाँ जी बोलो। सर आपने बोला था कि डेरिवेटिव अगर सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। हाँ बोलते जाओ। तो सर आपने उससे रिलेटेड एक बताया था ना कि ये कौन सा फंक्शन होगा, वो एक बार बता देना। देखो, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन 1 1 होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो भी 1 1 होगा, डेरिवेटिव दोनों होंगे तो मैनी 1 होगा। यही बताया था? यस सर। ठीक है सर। दोनों कैसे हो सकता है? f dash x is 2x minus 4 आएगा। यस सर। यस। और 2x minus 4 कब पॉजिटिव होगा? जब x 2 से बड़ा होगा। यस सर। और कब नेगेटिव होगा? जब x 2 से छोटा होगा। यस सर। यस। हम बात कर रहे हैं 2 से बड़ी वैल्यू की। यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग तो 1 1 फंक्शन। ओके सर। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू। सर अगर हमें 2 से इंफिनिटी, जरा सा भी डाउट हो बोलो। सर अगर डोमेन हमें 2 से इंफिनिटी ना दे रखा होता तो डेरिवेटिव वाले मेथड से हम कैसे कहेंगे कि ये मैनी 1 है? सही बात है ये भी। अब ये इन्होंने बोला कि भाई डोमेन अगर हमें 2 से इंफिनिटी नहीं दे रखा होता तो कुछ तो दिया होता, आर मान लो। यस। अब आर मान लेते हैं क्योंकि डोमेन मैनी 1 हो जाएगा। मैनी 1 हो जाएगा। एक चीज और, अगर डोमेन और कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट दोनों को आर टू आर मानते हैं। ओके ओके सर। और अगर दिया है तो बात अलग है। अब अगर ये वाला सीन होता तो ये हमारा फंक्शन था, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता आपका 2x माइनस 4, होता या नहीं होता?
यस अब होल आर का मतलब ये हुआ एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव सब वैल्यूज में डलेंगी या नहीं डलेंगी 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 तो सिर्फ 2 से बड़ी वैल्यू पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा 2 से छोटी वैल्यू पर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज भी करेगा और यस सर आ गया समझ इंक्रीज भी करेगा यानी कि फंक्शन टर्न होएगा और टर्न होएगा तो वही कंसेप्ट से दो जगह कट करेगी लाइन मैनी वन हो जाएगा यस सर आ गया समझ क्या ऑनटू के लिए सर ऑनटू ढूंढने का तरीका ऑनटू के लिए आ रहा हूँ ना ऑनटू के लिए एक मेथड तो बता दिया ग्राफ बना लिया था हमने ठीक है बेटा यस सर बाकी वापस आता हूँ यह डालो पहले यस सर यस सर ठीक है अब ऑनटू के लिए हमें रेंज निकालनी है इसी क्वेश्चन से देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है क्वाड्रेटिक भी आ गया पैराबोलिक शेप भी आ गई ग्राफ भी आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यूज हो गई FX1 FX2 भी हो गया क्या क्या चाहिए और है ना यस अब देखो रेंज निकालने वाला एक और मेथड फिर से आ रहा हूं मैंने ये बताया था कि रेंज निकालने का ग्राफ से निकल जाए तो बहुत अच्छा ग्राफ से नहीं निकले तो राइट हैंड साइड में कुछ बताओ तो मैनिपुलेट कर सकते हैं नहीं तो एक्स को वाई के टर्म में लिख सकते हैं बहुत सारे मेथड हैं सबसे पहले इसमें सबसे आसान मेथड ये है सबसे आसान मेथड इसका ये कि इसको होल स्क्वायर बनाया सही है यस ठीक है अब x 2 से इंफिनिटी है गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x माइनस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि इसकी रेंज आ गई आपकी 1 टू इंफिनिटी कितना आसान है यस सर मतलब यही है ना परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा हां बेटा सर मतलब यही हुआ ना कि परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा बिल्कुल लेकिन एक और चीज बताता हूं एक और चीज देखना सब लोग मैं वो बता रहा हूं पॉइंट जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं जहां पर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है सब लोग यहां देखो बाईचांस को ऐसा लिख देता सेम क्वेश्चन होता यही वाला क्वेश्चन होता अब जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे ना थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में रहेंगे वो फिर से यही करेंगे यार होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 तो टोटल की मिनिमम वैल्यू 1 तो यानी कि रेंज 1 टू इंफिनिटी ऐसे ही करेंगे ऑब्वियस है कि नहीं है सर पर डोमेन पे तो 2 है ही नहीं कहां से 0 डोमेन में 2 नहीं है डोमेन में लीस्ट वैल्यू 5 है ना यस तो आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये 3 या 3 से बड़ी है ना यस सर यानी कि आप जो 10 टू इंफिनिटी आएगा यस सर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 टू इंफिनिटी तो बस एक बार ध्यान दे देना कि डोमेन क्या दी हुई है बाकी मेथड यही रहेगा यस सर अब आगे बढ़ते हैं एक तो मेथड ये हो गया एक मेथड मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि भाई x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके भी रेंज निकाल सकते हो बताया था यस सर क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं वो यहां पे नहीं करना चाहिए तुम्हें क्योंकि डोमेन होल आर वाला मेथड होल आर नहीं है होल आर एक्सक्लूडिंग कुछ वैल्यू नहीं है तो वो मेथड कायदे में लगाना नहीं चाहिए सर समझ नहीं आया आपने क्या बोला बेटा वो मैंने जो मेथड बोला था ना कि एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ y वाला मेथड रेंज निकालने के लिए यस सर उसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी कि वो मेथड तब अप्लाई करना चाहिए जब डोमेन होल आर हो या होल आर एक्सक्लूडिंग कुछ वैल्यूज हो सर फर्क क्या पड़ जाएगा उससे उससे फर्क ये पड़ता है क्योंकि रेंज डिपेंड करती है डोमेन पर भाई अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो डोमेन चेंज करूंगा तो रेंज भी चेंज होगी होगी या नहीं होगी हाँ होगी सर तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब डोमेन होल आर या होल आर एक्सक्लूडिंग कुछ वैल्यूज हो तब वो मेथड लगाओगे तो परफेक्ट आंसर आएगा वरना गलती भी हो सकती है ठीक है सर ठीक है अब बाकी लोगों को सबको क्लियर है यस सर ठीक है एक और क्वेश्चन हाँ ओके सर ओके ठीक है एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका होगा ये और अपने आप डिसाइड करोगे मेथड कौन सा है एफ आर टू आर ये रुको पहले हाँ ठीक है
ठीक है, एफ एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है तुम्हें, अराउंड दो तीन मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करो। वन वन है या मैनी वन है, ऑन टू है या इन टू है, आराम से करो, हो जाएगा अगर दिमाग लगा के चलोगे तो। वन वन मैनी वन चेक करो, एक काम करो इसमें वन वन मैनी वन चेक करो, ऑन टू इन टू तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, वन वन मैनी वन चेक करो। सर मैनी वन, ये फंक्शन है मैनी वन, सबको सबको ही मैनी वन आ रहा है क्या? सर मैनी वन आ रहा है, सर मैनी वन आ रहा है, मैनी वन आ रहा है, सबका मैनी वन है, वन वन आ रहा है, बच्चों का जिन्होंने कॉल कर लिया उनका मैनी वन आ रहा है। कैसे आ रहा है कुछ बताओगे? वन वन है सर। सर डेरिवेटिव करके मैं कैसे आ रहा है कुछ बताओगे मेथड? सर सॉल्व नहीं किया ज्यादा, लेकिन साइन एक्स माइनस वन और वन दो बार होगा तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर हम इसको डेरिवेटिव करके दे सकते हैं ना, डेरिवेटिव डेरिवेटिव करके सेकंड, एक एक करके चल रहा हूँ ना, माइनस वन और वन पे वैल्यू चेंज होगी, तुम ये कह रहे हो वन वन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगी डेरिवेटिव फाइंड करने? हाँ ये बात क्या बोल रहे हो सर? डेरिवेटिव निकालने के बाद तो पॉजिटिव आ रहा है ना, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, तो बात होना चाहिए। यस सर, वन वन ही होगा। देखो इसका डेरिवेटिव देख लो सब लोग, एफ डैश एक्स, सबसे अच्छा मेथड यहाँ पर यही है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का याद करो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक का साइन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब है किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है तो एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। याद है, याद है कि नहीं है? सर याद है सर। हाँ यस सर, नो सर, पॉजिटिव है और इसका डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, वो नेगेटिव है, तो यानी कि ये पक्का है कि ये वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ये जो कॉस एक्स है ये माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, अब ये जीरो से बड़ी है ये तो पता है, लेकिन अब मुझे इसका थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा रेंज क्या है। तो मेरा मेथड देखते चलो, थ्री कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स, सही है? यस सर। ये थ्री कॉमन आया आपका, ये हुआ एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर। देखो सर डायरेक्ट ऐसे भी तो देख सकते हैं सर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू थ्री हो सकती है और वो कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकती है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वेट यही समझा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू थ्री कैसे पता लग रहा है तुम्हें जरा बताना सर? मतलब किसी भी एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो कोई भी वो 3x square would be always greater than 2x, अगर x negative हुआ। सर हम perfect square बना के देख लेंगे ना। मिनिमम वैल्यू 3 नहीं होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए भी तुमने एक पढ़ा होगा माइनस बी अपॉन टू ए वाला फॉर्मूला, तो yes, वो होल स्क्वायर बना के कर रहा हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 बोलना तो गलत है, 3 नहीं है इसकी मिनिमम वैल्यू। सर perfect square बना रहे हो उसका, उसके बाद चेक कर लो ना। आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 बाई 3 प्लस
परफेक्ट, तो ये होल स्क्वायर जीरो हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 8/3 आएगी, याद आ गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो 3 नहीं बोल सकते मिनिमम वैल्यू, समझ में आ गया? बोला नहीं सर। यस सर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये cos x की, ये -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है? है है, तो cos x की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, और ये 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, तो अगर ये नेगेटिव में सबसे कम नेगेटिव भी हो गया तब भी इसकी मिनिमम वैल्यू भी ले लो तब भी टोटल आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, आएगा पॉजिटिव। हाँ ये कहना चाह रहा हूँ, तो टोटल अगर पॉजिटिव ही रहेगा तो डेरिवेटिव क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो 1/1 है। ओके okay. आपने फंक्शन के स्टार्टिंग में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉजिटिव बताया है, ये कैसे किया सर? ठीक है बेटा, इसका ना एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ और वैसे भी बता देता हूँ। ये अगर कोई भी ax2 + bx + c क्वाड्रेटिक होती है, अगर उसका a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो उस क्वाड्रेटिक में तुम x की जगह कुछ भी रख दो आंसर पॉजिटिव आता है, x की जगह आंसर कुछ भी रख दो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का रह गया हो या नहीं पढ़ा हो, जो भी है। देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक है, इसको होल स्क्वायर बना दो, तो a कॉमन लो, x2 + b / ax + c / a, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख लेते हैं ना, वरना बार बार करना पड़ेगा। तो ये x + b / 2a का होल स्क्वायर हो गया, इसका हाफ करते हैं, यही तरीका है। b² / 4a² एक्स्ट्रा आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वहां ये इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y = a (x + b/2a) का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये आएगा इसका एलसीएम 4a², तो ये 4ac - b², तो माइनस कॉमन लूंगा तो b² - 4ac आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, जिसने भी डाउट पूछा था बेटा? यस सर। ठीक है, तो हमने y को एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो होल स्क्वायर है तो हमेशा ही पॉजिटिव है कि नहीं है? यस सर। ये 4a² है, ये भी हमेशा ही पॉजिटिव है, बोलो? Yes, sir. अब अगर ये a पॉजिटिव हो जाए, अच्छा अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा, तो ये अंदर वाले ब्रैकेट का सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा और a भी पॉजिटिव हो जाए, तो यानी कि अगर a पॉजिटिव हो जाए और d नेगेटिव हो जाए, d मतलब b² - 4ac, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये फॉर्मूला है। ओके सर। समझ में आया? कुछ भी रख दू ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन हाँ क्योंकि cos x भी साथ में है तो मुझे पॉजिटिव के अलावा दिमाग में एक बात भी रखनी है यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पॉजिटिव तो हो रहा हो लेकिन ये 0 to ∞ हो रहा हो, और उस समय ये जिस समय ये 0 हो रहा हो उस समय ये -1 हो रहा हो, तो टोटल फिर भी पॉजिटिव ना हो रहा हो, समझ में आ रहा है? ऐसे दिमाग लगा के चल रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, इसकी रेंज निकाली, इसकी रेंज बहुत आसान मेथड होता है होल स्क्वायर से, तो होल स्क्वायर से इसकी मिनिमम वैल्यू 8/3 आ गई, तो इसकी मिनिमम 8/3 और इसकी मिनिमम -1 दोनों सबसे छोटे होने पर भी नेगेटिव नहीं हो पा रहे टोटल, है ना? बोलो। यस सर। तो जब सबसे छोटी वैल्यू पर नेगेटिव नहीं है तो आगे क्या नेगेटिव होगा? डायरेक्ट सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस, हाँ मतलब डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू ही नेगेटिव नहीं है तो बाकी क्या नेगेटिव होंगी? हाँ तो हम -d/4a से डायरेक्ट निकाल सकते थे। बिल्कुल निकाल सकते हो, मैंने सिर्फ बना के दिखाया है, बिल्कुल निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, वो मैंने सिर्फ बना के दिखाया है, धीरे धीरे तो वही सब करना है, इतना टाइम थोड़ी ना होता एग्जाम में, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। ये फंक्शन कैसा है? 1-1 फंक्शन, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं एक ये इसका जो सेकंड पार्ट है ऑन टू इनटू, वो मैंने तुम्हारे पे छोड़ दिया, अपने आप करोगे। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ और मैं ये चाहूंगा कि सब लोग बहुत ढंग से करेंगे, दिमाग लगा के करो ट्राई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है। f -1,1
माइनस वन कॉमा वन एफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स. ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर वन वन मेनी वन एंड ऑन टू इन टू. सर मैनी वन हो रहा है. मैनी वन हो रहा है ठीक है. मैनी वन तो इसका आंसर तो ठीक है. कैसे हो रहा है मेथड? सर डेरिवेटिव करके. अच्छा डेरिवेटिव करके ठीक है. एक काम करो इसका ग्राफ भी बनाओ जरा. मैं ग्राफ भी सिखाना चाह रहा हूँ. इसका ग्राफ बनाओ सब लोग. ये सर ग्राफ से भी देख सकते हैं ना. वेरी गुड. वही मैं चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ बना. हाँ साइन टू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू टू और मिनिमम वैल्यू माइनस टू. हाँ मिनिमम वैल्यू और माइनस मैक्सिमम वैल्यू तो माइनस वन और वन ही होगी. लेकिन लेकिन इस इंटरवल में हो रही है नहीं हो रही वो चेक करने वाली बात है. यस सर. चलो मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ. यस सर. मैनी वन आ रहा है ग्राफ. मैनी वन आ रहा है ठीक है. सब लोग इसका ग्राफ देखेंगे. मुझे पता नहीं कितना सही बनाया है कितना गलत बट मैं बना रहा हूं चेक कर लो. सर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच के इंटरवल में कोई भी रिपीट नहीं हो रही ना वैल्यू. क्या बोल रहे हो? सर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच के इंटरवल में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही साइन टू एक्स के ग्राफ में तो मैं नहीं बना रहा है. हाँ ठीक है देखता हूँ. देखो बेटा ये जो पाई बाय टू है ना. अरे मास्टर को गड़बड़ हो गई. पाई बाई टू का मतलब है 3.14 बाई टू. यानी कि पाई बाई टू का मतलब है लगभग लगभग 1.57. सही है? बोलो. यस यस सर. लगभग यस सर. अब यहाँ देखना ये साइन टू यानी कि मुझे माइनस वन से वन जाना है. यहाँ बहुत ध्यान से देखना एक एक बात मैं क्या लिख रहा हूँ. तो क्योंकि अब जो इसने एक्स दिया है ना वो एंगल में ना देखे रेडियन में दे दिया है तो मैं वो रेडियन के हिसाब से दिमाग लगा रहा हूँ. तो यहाँ पर पाई बाई टू होगा या नहीं होगा? यस. वन के बाद होगा पाई बाई टू. यहाँ तक ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. और वन फाइव के बाद भी होगा पाई बाई टू? यस सर. ठीक है. और यहाँ पर ये कितना आएगा बताओ? यहाँ पर ये आएगा माइनस पाई बाई टू और यहाँ पर कहीं होगा ये माइनस 1.5. यहाँ तक ठीक है? यस सर. अब पाई बाई टू तो यहाँ कहीं पाई बाई फोर होगा. पाई बाई फोर मतलब इसका भी आधा. तो इसका आधा वन से छोटा होगा. तो यहाँ कहीं माइनस वन आएगा. ये समझ में आ गया मेरा प्लॉटिंग देख ली? यस सर. ठीक है. जब एक्स पाई बाई फोर होगा तो ये टू इंटू पाई बाई फोर पाई बाई टू यहाँ ये वन हो जाएगा. तो ये ग्राफ पीक पे यहाँ होगा. बोलो ये ग्राफ पीक पे यहाँ होगा या नहीं होगा? होगा सर. पाई बाई फोर पर. और ये पाई बाई टू पर कितना होगा? जब x पाई बाई टू होगा तो टू इंटू पाई बाई टू पाई जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर ये जीरो होगा या नहीं होगा? होगा. होगा. तो यानी कि इसके बाद ग्राफ गिरेगा. और गिरेगा तो ये ऐसे जाएगा. ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे यहाँ तक की बात करनी है वन तक की बात करनी है. यहाँ तक समझ में आ गया? अब ऐसे ही इस तरह माइनस पाई बाई फोर पर माइनस निगेटिव पीक अटेन करेगा दैट इज माइनस वन और फिर ये गिरेगा और यहाँ पर ये गिरा हुआ ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ पर जाकर ये माइनस पाई बाई टू पर जीरो हो जाएगा. थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर. ऑल ऑफ यू. मुझे कुछ ही लोगों की आवाज आ रही है बाकी लोग सबको आ रहा है?
यस सर मेनी वन यस सर यस सर पाई बाई टू पर टू इंटू पाई बाई टू पाई जीरो हो रहा है, पाई बाई फोर पर वन हो रहा है और मैंने पहले ही प्लॉट करके देख लिया है कि वन जो है वो पाई बाई फोर के बाद आएगा, 1.5 पाई बाई फोर से पहले आएगा। यहां तक तो ठीक है? यस सर। अब यहाँ यस यस बात बात हो रही है माइनस वन से वन के बीच में, माइनस वन से वन के बीच में मतलब अब ग्राफ के इस वाले इंटरवल की बात हो रही है, ये और ये, सिर्फ इतने पोर्शन की बात हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर यस सर। तो वन वन होगा या मेनी वन होगा? मेनी वन होगा ना, मेनी वन, क्योंकि ये टर्न कर गया और टर्न कर गया तो मेनी वन हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर यस सर। हाँ बोलो। यस सर हो गया, हो गया। अब ऑन टू और इनटू की बात करें तो पीक वैल्यू वन अटेन हो रही है और यहाँ पर भी माइनस वन अटेन हो रही है, तो रेंज माइनस वन से वन है कि नहीं है? ऑन टू, ऑन टू, तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब एक और बात देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर ऐसा लिख दूं माइनस पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव और रेंज लिख दूं कोडोमेन, सॉरी ये लिख दूं, अब क्या सीन होगा बताओ? तो क्या 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 आपने? मैंने बस डोमेन चेंज करी है माइनस पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव और कोडोमेन अभी भी वही रहने दी है। वन 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 हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, वन वन 0.5 मतलब अब इससे भी छोटा हो गया है ना, टर्न नहीं होगा और यहाँ पर भी ये माइनस 0.5, तो यानी कि अब ग्राफ का ये वाला पोर्शन बस, ओनली ये वाला पोर्शन है ना। सर हम इसी चीज को पीरियडिसिटी से ऑब्जर्व कर सकते थे? क्या बोल रहे हो? भी होगा इस चीज को हम पीरियडिसिटी से ऑब्जर्व कर सकते थे? किससे? ऑन टू पीरियडिसिटी। एक सेकंड पहले मैं इसको समझा दूं, ये वाला फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा या मैनी वन होगा? अब इस समय सर वन वन होगा, वन वन होगा, क्योंकि ये सेंटर ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है। ऑन टू होगा या इनटू होगा? सर इनटू, इनटू, क्योंकि अब रेंज भी माइनस वन से वन नहीं आ रही है तो ये इनटू हो गया। ठीक है बोलो। यस यस सर यस सर। कोई एक डाउट उठाया था, कुछ बोल रहा था, क्या था? मैं पूछ रहा था कि हम जो अभी हमने इतना डिस्कस किया है इसको ग्राफ बनाए बिना पीरियडिसिटी से ऑब्जर्व कर सकते थे? बेटा पीरियडिसिटी ये थोड़ी ना बताएगी कि फंक्शन वन वन या मैनी वन होगा। इनका जो पीरियड आएगा, यहाँ देखो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? टू पाई। तो टू एक्स लगने पर पाई हो गया इसका पीरियड, है ना? हाँ सर। तो पाई कहाँ पर आएगा इसका? ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये वापस जीरो पर पाई पर आएगा। तो पीरियोडिसिटी से हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। नहीं हम ये बोल सकते हैं ना कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं सर। वो डोमेन भी तो देखनी पड़ेगी ना हमें कि डोमेन क्या है। सर ये वन रेडियन तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होगा। अब वो ठीक है बात तुम्हारी, लेकिन पीरियोडिसिटी से हम इसको रिलेट क्यों करें वन वन मैनी वन को? फायदा ही नहीं हो रहा ना हमें उसका कुछ। हाँ ठीक है सर। ठीक है एनीवेज हो गया, अब ये समझ में आ गया बाकी सभी बच्चों को? पक्का? ठीक है एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का था, मैंने पिछली बार भी शायद तुम्हें कराया था, मुझे याद तो आ रहा है। ये था ना एफ एन टू जेड, कराया था क्या? नो सर, नो सर, हमने और माइनस एन बाई टू एन एन इज इवन शायद कराया था हमें। सर ये आपने सिर्फ हमें कराया था जब हम तीन चार बच्चे। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुम लोग सब लोग कर लो एक बार ये क्वेश्चन भी, वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू, इसका चेक करो।
सर 1 1 होगा सर 1 1 आ रहा है 1 1 आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है क्योंकि इसमें तो हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है ना यस भाई नेचुरल नंबर पुट करते चलो सीधे सीधे yes, f1 सर 1 1 आया हमको 1 डालेंगे तो 1 minus 1 0 आ गया f of 2 तो यहां डल जाएगा minus 1 आ गया यस सर f of 3 फिर से यहां डल जाएगा 1 आ गया f of 4 minus 2 आ गया f of 5 2 आ जाएगा f of 6 minus 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा यस सर यानी कि अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग आंसर आ रहा है yes, sir, yes, one, one. तो ये फंक्शन 1 1 अच्छा जो रेंज आ रही है वो देखो 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगी इधर -1 -2 ऐसे चलेगी तो सारे इंटीजर आ रहे हैं रेंज में पॉजिटिव भी आ रहे हैं नेगेटिव भी आ रहे हैं जीरो भी आ रहा है तो रेंज और कोडोमेन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा सेम आ रहा है सर सेम है वेरी गुड फंक्शन होता है ऑन टू यस सर सिंपल है यस सर ठीक है एक और ट्राई करो सर हां जी सर अगर हम इसमें वो fx1 = fx2 वाला करते तो हमें ऑड और इवन दोनों केसेस को चेक करना पड़ता बिल्कुल बेटा वो लेंथी भी होगा क्योंकि जब तुम fx1 equals to fx2 वालों करोगे तो वहां पे ये दिमाग में रखना है कि एक केस इवन का लोगे एक केस ऑड का लोगे तो दैट शुड नॉट बी डन कायदे में यस सर ओके ठीक है अब एक और क्वेश्चन करो fr2r fx is under root of 1 plus x square बहुत आसान क्वेश्चन है ट्राई यूज बेस्ट पॉसिबल मेथड जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है वो लगाओ सर मेनी वन एंड इनटू मेनी वन एंड इनटू बाकी लोग भी करिए सही जा रहे हैं मेनी वन इनटू और लोग बताओ मेनी वन इनटू बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्स मेनी वन इनटू डालो या वही पॉजिटिव डालो आंसर सेम आएगा सर एक्स को 1 पुट करो या -1 पुट करो आंसर सेम 2 पुट करो या -2 पुट करो आंसर सेम है ना यस सर यानी कि इट इज अ मेनी वन फंक्शन अच्छा इसकी रेंज बताना रेंज सर 1 टू इनफिनिटी वेरी गुड 1 टू इनफिनिटी 1 से पॉजिटिव आ रही होगा 1 प्लस x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो रूट करेंगे तो भी 1 से बड़ा ही रहेगा तो रेंज आएगी 1 टू इनफिनिटी जबकि कोडोमेन r है तो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है और रेंज और कोडोमेन सही नहीं सेम नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा इनटू फंक्शन समझ में आया यस सर यस सर मुझे लगता है कि 1 1 मेनी 1 और ऑन टू इनटू में अब कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है क्योंकि मैंने ग्राफ भी बता दिया तुम्हें fx1 = fx2 भी बता दिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बता दिया मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको ऑल ऑफ यू यस सर यस सर बाकी लोग भी बोलो यस नो यस सर यस सर लेकिन मेरे को चैट में भी कुछ है यस सर हां ठीक है ठीक है क्लास ओवर क्या मेरा डिस्कनेक्शन हो गया था अब तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना 1 1 मेनी 1 के राइट यस सर एंड ऑन टू इनटू के भी तो 1 1 इज इंजेक्टिव ऑन टू इज सर्जेक्टिव और जो दोनों होता है वो बाइजेक्टिव होता है उसी का हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं उस पे भी आएंगे है ना ओके चलो ठीक है सर एक क्वेश्चन था हाँ बेटा बोलो सर ये आइडेंटिटी जो रिलेशन है हाँ वो ट्रांसिटिव हो सकता है नहीं सॉरी रिलैक्स हो सकता है रिफ्लेक्सिव वो तो बस वही चेक करना है एसी बीसी तो एसी है कि नहीं है वो देख लो बस अच्छा अच्छा और मैंने ये भी बोला था कि एबी बीसी में एबीसी आर मतलब मैंने कोई कंडीशन तो लगाई नहीं है उसमें कि एबीसी हैज टू बी डिफरेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है ना हाँ हाँ यस सर ठीक है और कोई बात
बाकी डिस्कस कर लेंगे फिर। चलो ठीक है, ओके सर, गुड इवनिंग। चलो बाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी कोई और क्लास भी है तुम्हारी? ठीक है, बाय, मैं लीव कर रहा हूँ।